लोग अपने भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं कि आगे उनके साथ क्या होगा, और ज्योतिष के पास जाते हैं अपने हाथ को दिखाने, जिससे वो अपने हाथ की रेखाओं को दिखाकर अपने भविष्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पर क्या आपको पता है कि आपके हाथ के अलावा भी अपने माथे की रेखाओं और बनावट को देखकर भी आप अपना भविष्य और स्वभाव जान सकते हैं? माथे की लकीरों और बनावट को देखकर आप जान सकते हैं कि कौन ज्ञानी होगा, कौन धनी होगा या आर्थिक रूप से परेशान रहेगा। आइए जानते हैं माथे की बनावट से व्यक्ति का भाग्य और स्वभाव कैसे होता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिन लोगों का सिर के साथ माथा भी बड़ा होता है वह बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होने के साथ साथ कई विषयों के जानकार भी हो सकते हैं। माथे पर रेखाएं भी बनी होती है। जिस किसी के माथे की रेखाएं जितनी ही गहरी और अटूट होती है वह लंबे समय तक जीवित रहता है। ऐसा व्यक्ति गहरी सूझबूझ रहने वाला होता है। जिस किसी का माथा आगे की तरफ निकला हुआ होता है वह बहुत ही भाग्यशील और तीव्र बुद्धि वाला होता है। जिस किसी का माथा पतला होता है वह व्यक्ति स्वभाव से काफी भावुक होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक का दूसरों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जिस व्यक्ति का सिर चिकना और चमकीला होता है वह प्रतिभाशाली और गुणवान होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी प्रतिभा और ज्ञान से धन संपत्ति अर्जित करता है। इन सभी बनावट और रेखाओं से लोगों के बारे में जाना जाता है कि उनका स्वभाव और फ्यूचर कैसा हो सकता है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आंचल की रिपोर्ट।